कैसे उनके कनेक्शन इनके मौलवियों के, इनके मस्जिदों के कैसे कनेक्शन जो है आईएसआईएस आतंकवादियों से है, ये सारी चीज उस मूवी में सत्यता के साथ दिखाई गई है, इसलिए सबको देखना चाहिए। ये जो जितने भी अब्दुल हैं, ये रवि, राहुल, सोनू, मोनू बन के जो मार्केट में घूमते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं, उसके बाद लड़कियों को बरगलाते हैं, इनको ड्रग्स देते हैं, इनके साथ अवैध संबंध करते हैं वीडियो बना के, इनके बाद फिर जो है इनको कैसे ब्लैकमेल करते हैं, सारी चीज इस मूवी में बताई गई है। हम मुर्ख जो इनको शरण देते हैं और पैसा भी देते हैं और अपनी बहन बेटियों को भी देते हैं। मोदी जी को मैं शंकराचार्य जी का दूसरा स्वरूप मानता हूँ। अच्छा। जय श्री राम। मैं साउथ इंडियन वहीं का ही हूँ। साउथ इंडियन ही हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ गया था, मैंने कई चीज ऐसी देखी है। हाँ। मैंने नोटिस करी है। हाँ। और ये फिल्म है, ये बिल्कुल सच बता रहे हैं। अब जाएंगे, सभी बहनों के साथ जाएंगे, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। ट्रक चलाता था, दुनिया देख के आया हूँ भाई। अच्छा। और जो फिल्म भी देखी हमने, जो फिल्म बिल्कुल सच्ची फिल्म है, वो फिल्म नहीं है, सच्चाई है। तो मूवी में ये तो नहीं बताया गया ना कि कोई समुदाय के लिए बना रही है वो मूवी, जो सच्चाई है वो दिखाई गई है, वो तो लोग जोड़ रहे हैं। एक खाना बदोश कबीला जिनका काम है अय्याशी करना, बच्चे पैदा करने, दूसरे देशों पर कब्जा करना, दूसरे की चीजों पर कब्जा करना, कि ये वहाँ पे जिसे इस्लामिक कंट्री वो मानते हैं उसको, केरल को, कि इस्लाम वहाँ पे 80% अपने आप को मानते हैं। हाँ। और इसीलिए केरला से वो बोले कि स्लेव बनाने के लिए। अच्छा। हिंदू लड़कियों। हाँ। वो चुन चुन के हिंदू लड़कियों को, वो भी ऐसे नहीं कि जो गांव में काम कर, जो वेल ग्रेजुएट हो, जो वेल ट्रेंड हो, उनको कैसे उनके बीच में अपने घर की लड़कियों को जाते हैं, कैसे उनको करते हैं, अपने देवी देवताओं के प्रति कैसे भड़काते हैं, इस मूवी में पूरा इतना वेल ट्रेंड सही ढंग से बताया गया है, स्टेप बाई स्टेप कैसे करते हैं, साम दाम दंड भेद हर तरह से, कई लड़कियों को फाड़ना हो कि आप जो हिजाब बांधेंगे तो आपको नहीं इज्जत लूटी जाएगी, ये नहीं किया जाएगा, वेल ट्रेंड तरीके से। और कैसे उनके कनेक्शन इनके मौलवियों के, इनके मस्जिदों के कैसे कनेक्शन जो है आईएसआईएस आतंकवादियों से है, ये सारी चीज उस मूवी में सत्यता के साथ दिखाई गई है, इसलिए सबको देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरे भैया दया अकेला है। स्टोरी ट्रेलर देखा क्या? हाँ देखा है पिक्चर। देखिए पिक्चर मूवी देखने जाएंगे 5 तारीख को। अरे जब हम लोग कश्मीर फाइल को सुपर हिट कर सकते हैं तो द केरल स्टोरी को सुपर हिट नहीं मिलेंगे? कैसी सवाल आप उससे बार बार। ये सब सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रोपोगेंडा है ये चुनाव को देखते हुए बीजेपी वाले करा रहे हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट शब्दों में बता दूं, द केरल स्टोरी हम लोग अपने प्रखंड खंड स्तर के बहन बेटियों के, हर सनातनियों के, बहन सनातनियों के घर जाके उनके टिकट अपने पल्ले से खरीद के उन बहन बेटियों को इस जो लव जिहाद के ऊपर जो पिक्चर बनी है द केरल लव स्टोरी, उसको दिखाएंगे ताकि समाज में एक अवेयरनेस आए और लव जिहाद जैसी बड़ी घटनाएं बचे, जिससे हमारा परिवार बचे। अच्छा देखिए, तो बोल रहे हैं वहाँ पे कुछ सीन है ही नहीं, कोई लव जिहाद का मैटर आज तक आया नहीं वहाँ पर, खाली बस प्रोपेगेंडा के देखते हुए और चुनाव को देखते हुए सब किया जा रहा है। आपको पता है भारतवर्ष में एक दिन में कितने लव जिहाद होते हैं? ये जो जितने भी अब्दुल हैं, ये रवि, राहुल, सोनू, मोनू बन के जो मार्केट में घूमते हैं, ये हमारे घरों के बीच में आते हैं, हमारे मध्य में आते हैं और हम हमारे बीच में आके व्यापार करते हैं, और हम मूर्ख जो इनको शरण देते हैं और पैसा भी देते हैं और अपनी बहन बेटियों को भी देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए जो निर्माता ने जो साहस दिखाया है, वर्तमान सरकार की जो उपलब्धि रही है, जिसके निमित्त ऐसे निर्देशकों को ये साहस मिला कश्मीर फाइल बनाने का, द केरल स्टोरी बनाने का, नहीं तो इससे पहले पिक्चरें नहीं बनती थी। इससे पहले ऐसी पिक्चरें बनाने का साहस भी नहीं होता था किसी के अंदर। आज जो ये साहस दिखाया है, इसके लिए बजरंग दल ऐसे निर्देशकों को सत सत प्रणाम करता है। एक तरफ ये भी उठ रहा है ना कि अगर मोदी गवर्नमेंट 10 साल से यहाँ पे है, क्या काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट, क्यों लव जिहाद हो रहा है, क्यों यहाँ से लोग उठा के कहीं और सीरे लिए जा रहे हैं? आपको बता दूं, मोदी सरकार पिछले 9 वर्षों से भारतवर्ष में काम कर रही है। मोदी सरकार ने हर सेक्टर में काम किया, चाहे वो हिंदुओं का उत्थान हो, चाहे वो हिंदू संस्कृति का उत्थान हो, चाहे देश की उन्नति का उत्थान हो, हर सेक्टर में काम हुआ है। अब जो धृतराष्ट्र हैं उनको दिखेगा कहाँ से? वो साले ससुरे पैदाइशी धृतराष्ट्र है, वो उनको दिखना तो है नहीं। अच्छा। जो जिनको दिख रहा है उनको दिख रहा है। अच्छा। आज अयोध्या में 500 वर्षों बाद मंदिर बन रहा है। अच्छा। आज आपका उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर बन रहा है। इस प्रकार से जो भी पुराने मंदिर है, केदारनाथ में कॉरिडोर बना, ऐसे जो भी बड़े धार्मिक तीर्थ स्थान है हम सनातनियों के, उन सबका उत्थान अगर कोई कर रहा है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मोदी जी को मैं शंकराचार्य जी का दूसरा स्वरूप मानता हूं। अच्छा। जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, इनके मौलवी, इनके काजी, इनके मजीद इतने कैसे फंडिंग करते हैं, इस मूवी को देखना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल सबको, कैसे फंडिंग करते हैं और कैसे ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। ये वेल ट्रेंड होते हैं, इसके पहले इनकी ट्रेनिंग होती है आईएसएस लेके, सब चीज वहां जाकर के ट्रेनिंग लेके आते हैं, उसके बाद लड़कियों को बरगलाते हैं, इनको ड्रग्स देते हैं,
इनके साथ अवैध संबंध करते हैं, वीडियो बना के इनके बाद फिर जो है इनको कैसे ब्लैकमेल करते हैं, सारी चीज़ इस मूवी में बताई गई है सब। और बता दें ये मूवी द कश्मीर फाइल से भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट जाएगी। ये दाऊद वुड इसको सपोर्ट करे या न करे, ये जाएगी, ये सनातनियों ने कमर कसी और जाएगी। ये क्या नाम है आपका? रवि नाम है मेरा। केरला स्टोरी देखने जाओगे या नहीं जाओगे? परिवार के साथ जाऊंगा मैं। परिवार के साथ जाओगे? अपनी लड़की को खास कर लेके जाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या ऐसा दिखा? जो इसमें दिखा रहे हैं ना वो बिल्कुल सच दिखा रहे हैं। अच्छा। और ये केरला में हो रहा है। हाँ। केरला में क्या, मद्रास में भी हो रहा है, क्योंकि मैं मद्रासी हूँ, मैं साउथ इंडियन वहीं का ही हूँ। साउथ इंडियन? साउथ इंडियन हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गया था, मैंने कई चीजें ऐसी देखी है, मैंने नोटिस करी है। और ये फिल्म है ये बिल्कुल सच बता रहे हैं इसमें। बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा चला जा रहा है, कुछ सच सीन वहाँ पे है नहीं, सब झूठा है। अब देखो बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, जो वहाँ उनके साथ रहता है, जो उनको देखता है, उनने जो करा है, जिनके साथ घर में बीती है, उन्हें पता होता है ना ये चीज। अच्छा, अभी इनको तो पता नहीं है, इनने देखा नहीं है। अच्छा, जिनके घर में हो रहा है उनको पता है सब कुछ। अच्छा, तो क्या ये मूवी को बैन करने की मांग भी उठ रही है अब इसमें? क्या लग रहा है बैन हो जाएगी ये मूवी? बैन होगी भी नहीं, और ये सुपर डुप हिट जाएगी। अच्छा, सुपर डुप हिट जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। टूटेगा कश्मीर फाइल का रिकॉर्ड, टूटेगा केरला स्टोरी तोड़ेगा रिकॉर्ड, कश्मीर फाइल का रिकॉर्ड तोड़ेगा केरला स्टोरी। कैसे बता, प्रोपेगेंडा जब इनको बता रहे हैं एक तरफ से, तो कहां से रिकॉर्ड? प्रोपेगेंडा तो कश्मीर फाइल भी प्रोपेगेंडा दिख रही थी। अच्छा, हिट हुई ना। हाँ। और ये वाली भी देखना। अच्छा, 5 मई को। हाँ। पहला शो देखने जाएंगे। अच्छा, लेकिन बताया जा रहा है कि 2400 चुनाव को देखते हुए सब क्या कराया जा रहा है? बस चुनाव कभी भी मुद्दा नहीं रहा, सच्चाई मुद्दा रही है। और आज हम अपनी बहनों के साथ संकल्प लेते हैं, इस मूवी को जो हिट बनाएगा वो सनातनी परिवार हिट बनाएगा। और संकल्प लेते हैं अपनी बहनों के साथ दिखाएंगे और दुर्गा वाहिनियों के साथ दिखाएंगे। और जय श्री राम। और ये संकल्प आज सारे भाई लेते हैं। अच्छा, हाँ। सवाल एक तरफ वो भी पूछता है, अगर मोदी गवर्नमेंट है तो क्या काम कर रही है, क्यों वहाँ पे इतना अगर हो भी रहा है सब बहन बेटियों का लव जिहाद? भाई साहब, ये मोदी गवर्नमेंट है तो तभी आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, तभी आप भी इसी बारे में बात कर रहे हैं, तभी आज ही कश्मीर फाइल्स में भी बात हो रही है और आज ही केरला पे भी बात हो रही है। तो मोदी गवर्नमेंट ही है जो बोलने की आज़ादी दे रही है और दिखाने की आज़ादी दे रही है। आज से पहले तो सेंसर बोर्ड पे लगा दिए जाते थे जुर्माने। अच्छा। कौन सी मूवी आती थी बताइए आप। अच्छा। और ये सच्चाई है कि नहीं है? बोल रहे हैं ना कि आगे मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आया तो मोदी सरकार ने उसको बैन किया, लेकिन दूसरी तरफ ये मुसलमानों को गलत दिखाया जा रहा है खाली वोट के लिए। देखो ये जो बिल्कुल सही बात है भाई के साथ, बिल्कुल ठीक है, जो करेगा वो भरेगा। अच्छा। और जो मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आएगी तो आप दिखाए ना, आ जाए। जब सत्ता में थी कांग्रेस तब मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई? गोधरा कांड भी क्यों नहीं बनाई? तथ्य नहीं थे ना, तथ्य पे बात करें, जब तथ्य है तो मूवी भी बनेगी, सब कुछ होगा। सब जाएंगे, सभी बहनों के साथ जाएंगे, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। अच्छा। और हमारे गण की दुर्गा वाहिनियों के साथ भी जाएंगे। अच्छा। जो वहाँ पर सच्चाई हो चुकी है ना, जो अभी चल रहा है और जो पहले हुआ है वो दिखाया गया। वाले समय में जो एक मिनट भाई, एक मिनट, वो फिल्म हम देख के आ चुके हैं भाई। अभी इसको डायरेक्टर आए थे उनके, अच्छा, कनॉट प्लेस में प्लाजा सिनेमा, उसमें वहाँ देख के आ चुके हैं। उसमें जो बीता है वहाँ की 30,000 लड़कियों के साथ जो बीता है वो दिखाया गया है। अच्छा, लेकिन बोल रहे ऐसा कुछ कोई आंकड़ा है ही नहीं, अभी आया ही नहीं है सामने। कौन कह रहा नहीं आया? सब बोल रहे हैं विपक्षी वाले। कौन बोल रहा है? ये विपक्ष वाले तो गु खाएंगे, तो हम क्या करें, उनकी बात मानेंगे? हम अंधे हैं? ये विकास जो विपक्ष वाले गु खाते हैं भाई, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई तनख्वाह नहीं। जरूर बोल रहे हैं कि केरला में ऐसा कुछ भी है नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि लोग ट्रक चलाता था, दुनिया देख के आया हूँ भाई। अच्छा, और जो फिल्म भी देखी हमने, जो फिल्म बिल्कुल सच्ची फिल्म है, वो फिल्म नहीं है, सच्चाई है। अच्छा। और मैं कहता हूँ जितने भी हिंदू भाई बहन ने सबको देखनी चाहिए फिल्म वो। लेकिन क्या लग रहा है कि सही वाकई में मुसलमानों को गलत दिखाया गया कि वो है सच्चाई? दिखाया नहीं गया, वो गलत ही है। सच्चाई दिखाई है, वो गलत ही है। उनका फुल विरोध करना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ ना बचपन से ही अपनी पढ़ाई चालू कर देते हैं कि ऐसे लड़कियों को लव जिहाद में फंसाना है। अच्छा। और क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। अच्छा। उनकी एक एक सीढ़ी बनी होती है, उनकी लड़कियां भी उस सीढ़ी में शामिल होती है। हाँ। उनके पढ़े लिखे लड़के भी शामिल है, पढ़े लिखे लड़के केवल लड़कियों को ही फंसाते हैं इंग्लिश बोल के। अच्छा। और बाद में उनका जो हाल होता है ना, वो हमें पता है। कलमा ही पढ़ा होता है वो सूट केस में पैक होती है, कभी कभी वो फ्रिज में मिलती है, वो सोची समझी साजिश तो होती है। जंगलों में तो बोलते हैं सिर्फ क्राइम है ना, क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, कोई भी क्राइम कर सकता है, तो लेकिन एक समुदाय को क्यों देख के? तो मूवी में ये तो नहीं बताया गया ना कि कोई समुदाय के लिए बना रही है वो मूवी, जो सच्चाई है वो दिखाई गई है। वो तो लोग जोड़ रहे हैं कि ये इस समुदाय के लिए, इस समुदाय के लिए है। कश्मीर फाइल्स में भी सिर्फ सच्चाई ही दिखाई गई थी वहाँ पर, कि ये तो नहीं बोला गया कि इस आदमी ने या इस संगठन ने या फिर इस किसी धर्म ने कुछ ऐसा किया है। जो कश्मीर इस्लाम को दिखाया गया ना कि इस्लाम के नाम पे कन्वर्जन कराया जा रहा है, सच्चाई तो दिखाई है। इस्लाम कोई धर्म है? एक इस्लाम मजहब है। अच्छा। एक खाना बदोश कबीला जिनका काम है
अय्याशी करना, बच्चे पैदा करने, दूसरे देशों पर कब्जा करना, दूसरे की चीजों पर कब्जा करना, ठीक है भाई? ये कोई धर्म भ्रम नहीं है, धर्म तो एक ही है बस पूरी दुनिया में, सनातन धर्म। जय श्री राम। धर्म की बात कर रहे हो तो कहाँ कमी रही है कि हमारी बहन बेटियां मतलब कन्वर्जन में जा रही है, फिर उनकी तरफ क्यों जा रही है? अब से पहले जो सरकारें थी ना, जिनको बोलते हैं तलुए चाटने वाली सरकार, उन सरकारों ने हमारा सारा इतिहास ही खत्म कर दिया। उन बेवकूफों ने ये लिखा कि मुगल महान थे, जो चोर उठाई गिरे थे उनको महान बताया। अच्छा। और जो हमारे योद्धा होते उनका इतिहास ही खत्म कर दिया। अच्छा। इसलिए ऐसे इस्लाम पिस्लाम को हम नहीं मानते और ना कभी मानेंगे। अच्छा। इन्होंने कब्जा कर करके तो 57 देश बना लिए भाई। हाँ। हाँ। भारत को भी खाने के लिए बैठे। अच्छा। लेकिन भारत में हिंदू है। उड़ा देंगे फाड़ के। क्या कह रहे थे भाई साहब? अब ये बोल रहा था क्या क्या लग रहा है कि हिट जाएगी मूवी 5 तारीख को रिलीज हो रही है? मूवी हिट जाए ना जाए वो तो सच्चाई है। हाँ। लोगों को अगर सच्चाई दिख रही है तो मूवी हिट जाएगी जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहित गुप्ता। ट्रेलर देखा कि नहीं आपने? हम जी देखा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मूवी भी बहुत बेस्ट है। हम जाएंगे देखने अपनी माता बहनों के साथ। अच्छा, तो क्या देखा, क्या लगा आपको कि ट्रेलर देख के क्या लगा कि क्या हुआ होगा मूवी में? वही आप दूसरों के लव जिहाद के बारे में है कि अपनी माता और बहनों को सुरक्षा में कैसे रखें। अच्छा, यही बात है। सच्चाई दिखाई गई है वो लग रहा है कि झूठा है? सच्चाई है, हकीकत है। हकीकत लग रहा है? हाँ जी। 5 तारीख को सब लोग जाओगे देखें? हाँ जी, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। लेकिन बैन हो जाएगी तो कहाँ जाओगे बैन करने की बात? बैन कौन करेगा? हाँ। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट गई क्या बोल सकता मैं, कुछ बोल नहीं सकता। हमारे हिंदू को, हिंदू की सच्चाई के लिए कोई नहीं मना करेगा। यहाँ जितने भाई खड़े हैं ना, जय श्री राम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार राव। जाओगे? द केरला स्टोरी ट्रेलर का आ चुका है, मूवी 5 तारीख को आ रहा है। बिल्कुल जाएंगे। जाओगे आपको? बिल्कुल जाएंगे, विद फैमिली। विद फैमिली जाओगे? हाँ, ये जो पर्दे के अंदर है उसको उजागर करके दिखाना क्या होता था पहले। अच्छा। अब क्या है इसमें? अच्छा। वो चीज दिखानी बहन बेटियों को। हाँ। मान लो उनका कह रहे कि इसमें मुसलमानों को गलत दिखाया जा रहा है। नहीं, वो गलत है, वो कहने वाले कहते रहेंगे, भौंकने वाले भौंकते रहते, सच है वो सच रहता है, झूठ कितना दिन तक चलता है? एक झूठ सच छुपाने के लिए 99 झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा। तब छुपता, तब भी छुपता नहीं, तब भी उजागर हो जाता है। अच्छा। तो हम लोग जाएंगे। मूवी में सच्चाई दिखाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जी बादल की तरह है, जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं झूठ झूठ की तरह, ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उजागर हो ही जाएगा। अच्छा। ठीक है। कश्मीर फाइल पे भी इन्होंने कहा था कि मतलब ये भी झूठा है, गलत है। कश्मीर फाइल जो थी वो इतिहास था, जो इतिहास था उसे उजागर किया था, और केरला स्टोरी जो है आने वाला भविष्य है। अच्छा। भविष्य को पहले से उजागर किया जा रहा है। अच्छा, पहले उजागर किया जा रहा है। हाँ जी। टाइम क्यों लग गया? बीत चुका है वो, दिखाया भाई। हाँ।